सब खत्म हो गया गाइस। लद्दाख राइड के लिए निकले थे, अपना बाइक पूरा सीज हो गया। रॉक तुम टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पहले रॉकी को ठीक होने देंगे, उसके बाद चाहे 10 दिन लगे फिर भी लद्दाख तो पहुंचेंगे जरूर। अपने रॉकी का तो मोबाइल ही खत्म हो गया गाइस। जो मैं सुपर बाइक का प्लान कर रहा हूँ गाइस 1 मिलियन पे, क्या पता ये मैं ले सकता हूँ। सो एक स्नोकल पैनोरामा ऑन रॉक लामा। कल हम दिल्ली से ले लद्दाख के लिए निकल गए थे, बट रात को अपना रॉक ही खराब हो गया था ना, तो हम लोग ने अंबाला द हवेली अंबाला में रह के या महल में रह के चेकआउट भी कर लिया हूँ। अभी हम बाहर आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जो कैंची सैंडविच और लस्सी में पी रहा हूँ, और वहाँ पे लड़की क्या कर रही है। हेलो गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छी हो? एक्चुअली सच बताऊँ तो दोनों का हाल पूरा बेहाल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुका है, बिकॉज अपना रॉकी मतलब चलता ही नहीं है। तो यहाँ से अब कहाँ पे है गैरेज वो आई डोंट नो। अब आगे का कहानी क्या होगा क्या नहीं, सबसे पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है यार। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने बाइक के पास में, देखते हैं अब ये स्टार्ट होती है कि नहीं। स्टार्ट तो नहीं होगा भाई, इसका फेफड़ा ख़त्म हो चुका है। साउंड देख रहा, इसका फिल्टर ही प्रॉब्लम होगा ना। अब यही अंबाला के हवेली के भैया लोग चेक कर रहे हैं और कॉल घुमा रहे हैं कहाँ से हेल्प हो सके। जल्दी जल्दी बाइक बनवा के हम लोगों को ना आज मनाली पहुँचना ही है गाइस, बट यहाँ पे ये ऐसा सीन हो गया ना, सोचा नहीं था कि फर्स्ट टाइम ये राइड पे अपना रॉकी धोखा दिया है। पता नहीं बेचारा, मेरा ही गलती है कि इसका फिल्टर ना मैंने साफ नहीं किया था। अब यहाँ से दूर दूर तक गैरेज नहीं है। हे रॉकी टेंशन मत ले, बनवा दूंगा तेरे को, ठीक है। निकल भाई फिल्टर, फिल्टर निकल गया गाइस फाइनली। मैं अभी भैया के साथ जा रहा हूँ फिल्टर साफ करने के लिए। बैठो रॉकी, आ रहे ठीक है यार, एक फिल्टर पे हवा मारनी है, हो जाएगा। ओके गाइस फिल्टर साफ करके हम आ चुके हैं, अभी अपने रॉकी के अंदर डाल के देखते हैं। अब फिल्टर से स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका कुछ और ही प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे तैसे करके फिल्टर को अंदर डाल दिया, पर अपना रॉकी ना स्टार्ट नहीं हो रहा है गाइस, इसका कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो भैया ने ना गैरेज से ना आदमी बुलाया है, वो आ रहा है, उसका वेट करना पड़ेगा। मेरा सारा मूड खराब हो गया, तौबा तौबा, मैं खाली रो नहीं पा रहा हूँ बस। आई होप कि अपना रॉकी जल्दी बन जाए और हम लोग यहाँ से जल्दी फिर आगे बढ़ पाए गाइस। ऑल राइट गाइस, अभी का कहानी ये है, एक घंटे बाद हमारे मैकेनिक चाचा अपने मशीन लेके आ चुके हैं, तो अभी क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा देखेंगे। इतना ज्यादा टेंशन हो गया था कि हमारे अम्बाले के भाई लोग ने हमें कॉफी दे दिया ताकि थोड़ा सा टेंशन दूर हो जाए। हाँ आपका नेपाल से? हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं हमारे नेपाली व्यूअर्स को? बस एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेपाली एकदम बढ़िया लाग्यो भाइसँग, होइन यहाँ आउनु भएको थियो, अलिकति गाडी खराब भयो तेरो, अलिकति समस्या भयो, बाँकी ठिक छ, ओके बहुत बढिया, थ्याङ्क यू। मेरा तो कोई नहीं गाइस, प्रॉब्लम होता ही होता है, बट मेरे को ना आरती के ऊपर दुख लग रहा है, बेचारी बाहर बैठी हुई है कब से सामान देख रही है, बट वो भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या दूर हो जाए। चलो भाई अब कीजिएगा काम, क्या हुआ है? स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही है, देखते हैं मोबाइल क्या है कि नहीं। देखो लाल, अपने रॉकी का तो मोबाइल ही खत्म हो गया गाइस, सब खत्म हो गया गाइस। लद्दाख राइड के लिए निकले थे, अपना बाइक पूरा सीज हो गया। अब आई डोंट नो सीज हुआ या नहीं, हमारे डॉक्टर साहब देख रहे हैं बस, देखने दो दे, देखो ये किस चीज से साउंड आ रहा है। ये भाई इंजन ऑयल नहीं है इसके अंदर, इंजन ऑयल नहीं है, ये बिना मोबाइल से चल, तो मोबाइल लेके आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चक्कर लाने के बाद फाइनली हमें मिल चुका है ऑयल, तो लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं हो
हो रहा, नहीं हो रहा। इंजन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ चुका है गाइस, कसम से बोल रहा हूँ, खत्म है अपना रॉकी। तीमी देखो सदा गड़ी होता ये रॉक है, ये आरती है। देखो गाइस क्या कर रहा है, दोनों का बाइक खराब हो गया, यहाँ से भाग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जल्दी भागती हूँ ना। और वो देखो पीछे से क्या कर रहा है उसको, ओए 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 मार दिया, ओए ला, भाग भाग भाग, जय बजरंग बली। हमारे चेहरे पे 4 बज चुका है गाइस, सुबह से लेकर अभी तक यहीं पे हमारा टाइम काफी वेस्ट हो चुका है। और अपना रॉकी का इंजन सीज हो गया है ऐसा मेरे को लग रहा है, और हम दोनों का मुंह देखने लायक हो गया। ये देखो मेरे से ज्यादा टेंशन ये है। तुम्हारे लिए टेंशन हो ना, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से इसको प्रॉब्लम मैंने दे रखा हूँ। नहीं 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 नहीं, हम दोनों को टेंशन हो रखा है गाइस, क्या वो सच बताऊं तो मैं इसका फेस देख के वो खड़ा हो रहा है, इसको मैंने देखे, और एक रॉकी का क्या हुआ है पता ही नहीं चल रहा है। अभी हम शोरूम में ले रखे जा रहे हैं ना चंडीगढ़ में, यहाँ से कावासाकी का शोरूम दिखा रहा है, तो 1 घंटे का रास्ता है। हमने बड़ा सा गाड़ी मंगाया हूँ, वो आते ही अपने रॉकी को गाड़ी के अंदर डालेंगे, उसके बाद जाएंगे। आज शायद चंडीगढ़ में ही स्टे करना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, क्योंकि उसको फुल जो भी है ना सब कुछ ठीक करके जाएंगे। बार बार ये दिक्कत, चंडीगढ़ क्रॉस करके दिक्कत होगा ना, तो ऊपर ऐसे शोरूम नहीं मिलेंगे। रॉक तुम टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम हो इसीलिए तुम, मेरा टेंशन उतना ज्यादा नहीं है, मेरा आधा टेंशन तुम्हारे पास है। पता है गाइस, मैं ना ऐसे मतलब रॉक को लग रहा होगा मैं बहुत टेंशन में हूँ, पर मैं नहीं हूँ, आऊ थोड़ा बहुत, लेकिन ना मतलब मैं उसके लिए टेंशन में हूँ। अगर वो अकेला होता तो उसको और ज्यादा क्या होता। अभी मैं अच्छा हुआ मैं उसके साथ आया, ठीक है, तो मैं उसको हिम्मत दे रहा हूँ कि तुम ऐसे हार मत खाओ, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले रॉकी को ठीक होने देंगे, उसके बाद चाहे 10 दिन लगे फिर भी लद्दाख तो पहुँचेंगे जरूर। ये दुख काहे खत्म नहीं होता भी? जिसके पास भी बाइक है वो बंदे ही समझ सकता है जो अभी मेरे साथ हो रहा है। और बाइकर के साथ चलने वाले को भी पता चल गया है आज मुझे कि मतलब ये बारे में बात नहीं बोलूंगी कि कितना परेशानी होता है, इतने इजी नहीं है मोटर ब्लॉगिंग करने सच में। अरे भाई 300 रुपए का ये, अब ये हवेली है ना, ये हवेली तो इसकी वजह से यहाँ पे हर चीज महंगी। चलो बच्चा, ओ बच्चा खेलो खेलो, तुम्हारे लिए तो बनाए ये, जाओ जाओ जाओ। हेलो क्यूटी, वो देखो बड़ा बच्ची भी आ रहा है। पापा की परी है, फंस गया पापा की परी, फंस गया गाइस, लो जल्दी जल्दी। गाइस मेरा ना वो आस्थमा का प्रॉब्लम था, तो सुबह को जब मैं उठी थी ना बहुत मेरे सांस का प्रॉब्लम बढ़ रहा था, मैं इतना डर गई थी कि मैं रॉक को भी कैसे बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बाइक खराब था, तो ना मैं सब मेडिसिन लेके आया था, बस वही एक चीज भूल गया, आस्थमा का मेडिसिन। आस्थमा का मेरा जो पंप है ना वो, तो मुझे ना जब ऐसे जब हम ट्रेवल करते ये करते ज्यादा बात करते या कुछ टेंशन होता है तो मुझे बढ़ जाता है, लेकिन थैंक गॉड अभी ठीक हो गया मैं। ये लड़की ये का अस्थमा का प्रॉब्लम है ये मेरे को अभी जाके पता चला गाइस, अब लद्दाख में ऑक्सीजन लेना है। हाँ तो लद्दाख में नहीं, यहीं पे चंडीगढ़ से लेंगे, मैंने सोचा था अभी जाके लेंगे, लेकिन वो ठीक हो गया अभी। ये लड़की अपना मेडिसिन लाना ही भूल गई, अस्थमा मतलब क्या ऐसा होता है। हाँ वो होता है ना, तो पंप आता है ना, ले लेना रास्तों पे। सो फाइनली गाइस काफी कोशिश को बात ना बाइक नहीं हुआ, तो हम लोग चंडीगढ़ कावासाकी शोरूम ले जा रहे हैं। गड्डी आ चुका है, गड्डी के अंदर अपना रॉकी को डालते हैं। बहुत ही खराब लग रहा है, पर कोई नहीं वहां जाके सब अच्छा होगा, फुल सर्विस कराएंगे। आरती हटो वहां से, है ना बंदे लोग है। अरे भाई बहुत न्यूट्रल में है ना भाई, चकरे 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 लग जाएगा, दूसरा स्टैंड बड़ा बड़ा लगा दिया, बड़े वाला ये अरे स्पोर्ट्स बाइक में एक ही स्टैंड आता है। एक्चुअली रॉकी ना बीमार हो गया, इसको ना डॉक्टर दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं, आईसीयू में बीमार हो गया। मैंने अपना सामान वगैरह सब ले लिया हूँ गाइस, अभी गड्डी के अंदर डालना है, जल्दी जल्दी। फाइनल वाइज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। स्पेशली थैंक्स तो हमारे साहिल भैया जिन्होंने हमारा इतना हेल्प किया, एंड अंबाला हवेली है, जो भी आते एक बार प्लीज डू विजिट बिकॉज यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे है। थैंक यू सो मच साहिल भैया, और भैया आपको भी शुक्रिया। अब अंबाला से चंडीगढ़ का सफर हमारे भैया के साथ होने वाला है। भैया आपका नाम क्या है? बिंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी, आधा से उधर टाइम तो यहीं पे गुजर गया हम लोग का। अब एक चीज में मेरे को काफी ज्यादा टेंशन है कि वहाँ जाके खर्चा कितना होगा, बिकॉज मेरे पास बजट एकदम ही लो है, क्योंकि बैक टू बैक ट्रेवल हो रहा है ना, खर्चा बहुत मोटा खर्चा हो रहा है। अब वहाँ जाके देखेंगे जो होगा चले जाएंगे, बट अपना ड्रीम राइड कम्प्लीट करके रहेंगे आरती के साथ। ये
नेवर गिव अप। चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे पूरा करके रहेंगे, क्योंकि हमें सफर को एंजॉय करना है ना। जिंदगी का हर एक सेकंड इतना महत्वपूर्ण बनाएंगे ना हम दोनों का मेमोरीज, एकदम सालों साल तक लोग देखते रहे जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग चंडीगढ़ कावासाकी शोरूम के यहाँ पहुंच चुके हैं। अपना गड्डी से ना मेरे को रॉकी निकलना है बाहर, ठीक है। थैंक गॉड रॉकी नीचे उतर गया, अभी इसको आईसीयू रूम पे डालते हैं गाइस। अभी एक चीज सुन के मैं सदमे में चला गया गाइस, और ये लड़के भी सदमे में जा चुकी है, बिकॉज कावासाकी शोरूम से मुझे ये जो स्लिप मिला है कल आना पड़ेगा यहाँ पे, आज तो काम नहीं हुआ तो 10-11 बजे का खुलेगा। इंजन पे प्रॉब्लम आया है अपने रॉकी पे ये बोल रहे, तो पार्ट्स खोलने के बाद पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। अगर इंजन पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोल रहे हैं कि 13-15 डेज लगेगा ऑर्डर करके आने में। तो ये सुन के थोड़ा सा दोनों को दिल से बुरा लग रहा है, अब क्या करें। आई होप कि पार्ट्स अवेलेबल हो और इंजन पे उतना धक्का मुक्का ना लगाओ, छोटा मोटा हो जाए तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारे सबसे बड़े एल लगे ज़िंदगी के। और यहाँ पे अपने रॉकी का बड़ा भाई वगैरह आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं अपने रॉकी का बड़ा भाई, ये देख सकते हो। ये क्या पता है, G1000 Ninja 1000 SX है भाई साहब। आपको वीडियो में छोटा लग रहा होगा बट एक्चुअल में रियल लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा। जो मैं सुपर बाइक का प्लान कर रहा हूँ गाइस 1 मिलियन पे, क्या पता ये मैं ले सकता हूँ, एक दिन आएगा मेरा भी। फाइनली गाइस डिलीवरी हो गया अपने G1000 का 1 मिलियन के खुशी में ना। जब मैं पहला अपना रॉकी का डिलीवरी लिया था ना, ये कुछ इस तरीके का था, और अभी अपना रॉकी देख सकते हैं किस तरीके का हो गया है। हाँ, वही मैं सोच रहा था, यहाँ पे तो रॉकी तो दूसरा है, तुम्हारा थोड़ा चेंज हो गया है अभी चलाते। और ये भी Ninja 300 ही है, कलर उतना खास नहीं है, ये सबसे फेवरेट है Ninja 300 का कलर। और ये सब कुछ देख सकते हैं वहाँ पे भाई, ये तो रॉकेट है रॉकेट। सो गाइस फाइनली आकर के हम लोग चंडीगढ़ के कुछ इस तरीके का रूम लेके बैठ गए हैं। ये भाई हम यहाँ के स्टाफ है, और अपना बैग वगैरह यहाँ पे रख दिया हूँ, जैकेट वगैरह ना हमने हेलमेट वगैरह वो कावासाकी शोरूम के वहीं छोड़ दिया हूँ, और कल सुबह जाना है अपना बाइक का। कितना मोटा खर्चा और क्या क्या प्रॉब्लम है, खर्चा का बात तो अब क्या करें, इधर उधर से मैं मैनेज कर लूँगा दोस्तों से मांग के, बस बाइक बन जाना चाहिए, बिकॉज मैं घर से इतना ज़्यादा दूर हूँ ना कि मेरा अभी माथा काम नहीं कर रहा है। आई होप कि कल जल्दी से जल्दी अपना रॉकी बन जाए, और क्या होगा क्या नहीं आगे देखा जाएगा। हम दोनों ने ना दो रूम लाइक नीचे ही सामने सामने लेने वाला था, बट नीचे ना पूरा बुक है तो एक ही खा लेते हैं वहाँ पे, ले लिया हूँ और ऊपर में एक ले लिया हूँ। तो खाना कब खाएंगे खाना, सच बताओ गाइस दोनों का हालत ना इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, ये टेंशन के मारे, टेंशन मत लो ठीक है, ज़्यादा टेंशन ले रहे हो ना इसलिए मुझे टेंशन हो रहा है गाइस, ये पूरा टेंशन ले रहा है, मतलब एकदम गुस्सा वो हो रहा है। मैं हूँ ना साथ में, तुम हो तो मैं भी हूँ। ये है हमारे आरती का रूम कुछ इस तरीके का गाइस। सुनो आरती खाना खाने भी जाना है ठीक है, तो जल्दी जल्दी फ्रेश होके निकलो, अभी हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं। एंड लद्दाख का ये कहानी है गाइस, कल बाइक बनेगा तो कल ही निकलेंगे, अगर बनने में टाइम लगेगा तो हम लोग को थोड़ा दिन यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, बट चाहे जो भी हो अपना ड्रीम राइड कंप्लीट करके रहेंगे। अभी थोड़ा सा मेरा दिमाग का मूड, मेरा पूरा मतलब मूड ऑफ हो चुका है, अभी वही जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो या कहीं से भी वीडियो अच्छा तो क्या बोलो, आज सारा दिन तो अपने बाइक के पीछे लगा हुआ था, और कल रात को जो कांड हो गया था बाइक खराब हो गया ना, वो वीडियो देखे ना माँ पूरा टेंशन में आ गया, बोल रहे बेटा घर आ जाओ, बीच रास्ते में मैं घर कैसे आ सकता, मेरी माताजी टेंशन ना लीजिएगा ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं घर से बाहर लद्दाख मुस्तांग नेपाल करूंगा, तो ऐसा हादसा मतलब ऐसा दुख दर्द पीड़ा आएगा ही आएगा, वही तो है लाइफ, वही तो है जर्नी, लाइक ड्रीम राइड है भाई, इतना आसानी से थोड़ी ना कंप्लीट होगा ना। तो इसीलिए माँ आप घर बैठे अच्छे से वीडियो देखे, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा ठीक है। केदारनाथ बाबा के आपके लिए गिफ्ट वेट कर रहा है, जल्दी से जल्दी हम आने का ट्राई करेंगे। तो यही है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट पे अपडेट दे रहा हूँ, जाके प्लीज फॉलो कर देना, और एक नया क्या ट्रेड्स ना क्या आया है वहाँ उसमें भी जाके फॉलो कर देना रॉक लामा ठीक है। क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट प्लीज, कहीं से भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना है, कांची तुम रैक रैक रैक।